उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ट्विटर वॉर लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्विटर पर जो जुबानी जंग शुरू हुई वो ऐसी शुरू हुई कि अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मामला कानूनी दाव पेच पर फंसा हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सपा मीडिया सेल के हेड मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस ने रविवार को अरेस्ट कर लिया था। इसके अलावा जो बीजेपी नेता हैं ऋचा राजपूत, जिनके ट्विटर हैंडल से जबरदस्त तरीके से आपत्तिजनक ट्वीट्स किए गए हैं डिंपल यादव के खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ, उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। अब इसी बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है। ट्विटर वॉर के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के सोशल मीडिया टीम को बदलने का फैसला लिया है। बताया ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब अपने सोशल मीडिया के ग्रुप को बदलेगी, यानी उनके इस पूरे अकाउंट को अब नई टीम हैंडल करेगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि उनको बाकायदा हिदायत दी जाएगी कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। लगातार चल रहे विवादों के बीच खबर ये भी आ रही है कि सपा मीडिया सेल ट्विटर पेज के हेड मनीष जगन अग्रवाल को भी अब उनके पद से हटाया जा सकता है। उनके खिलाफ पहले से ही लखनऊ के हजरतगंज थाने में 3 FIR दर्ज हैं। यहाँ पर आपको बताते चले, रविवार को मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आनन फानन में अखिलेश यादव अपने सारे काम छोड़कर लखनऊ के पुलिस मुख्यालय पहुँच गए थे। यहाँ से उनके कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें वो बैठ नहीं रहे थे, चाय पीने से इनकार कर रहे थे, कह रहे थे चाय बाहर से मंगवाइए, कप अपने यूज़ कर लीजिए, अगर आपने जहर मिला दिया तो। बहुत ज़्यादा तीखी आलोचना की गई थी अखिलेश यादव के इस व्यवहार को लेकर, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए थे पुलिस व्यवस्था पर। आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से काफ़ी वक्त से बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट्स किए जा रहे थे, जिसके बाद ट्विटर को चलाने वाले मनीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन हाँ, सोमवार को उनको जमानत जरूर मिल गई थी, लेकिन ट्विटर वॉर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसी कड़ी में खबर ये मिल रही है कि पूरी टीम को अखिलेश यादव ने बदलने का फैसला कर लिया है। यानी निश्चित तौर पर सीएम योगी की पुलिस ने जो एक्शन लिया है उसे कहीं ना कहीं डरे हुए सहमे हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। डंके की चोट पर कह जरूर रहे हैं कि योगी सरकार उन्हें परेशान कर रही है, योगी की पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन सच सबके सामने आ रहा है। अंदर खाने अखिलेश भी मानते हैं कि जो भी सारी चीजें हुई हैं, जो भी प्रकरण हुआ है, उसकी नींव किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के ही नेताओं ने रखी थी। अब देखिए ना, ऋचा राजपूत जिस तरह से ट्विटर पर आपत्तिजनक ट्वीट्स कर रही हैं, दो धड़ों में लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ लोगों की उनकी आलोचना कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि जैसे को तैसा। जब बीजेपी नेताओं के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी कर सकती है तो उनके खिलाफ भी अब ऐसा ही होना चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा ये ट्विटर वॉर अब कहां तक जाएगा। इन सब के बीच आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।